Hello everyone, hope you all are doing good. Welcome back to a new video. It's a series of interviews with the Pakistanis who are living in Turkey and specifically who are living in Istanbul, as we are based in Istanbul. And today we have Mr. Asjad. He's a student here and yahan pe pichle isme like 4 years se reh rahe hain, to inka dekhte hain ki kaisa raha experience aur unka kya background hai aur kya kya mushkilat aati hain students ko jo ke different countries se टर्की में मूव होते हैं और लेट्स सी क्या होता है आगे. वेलकम मिस्टर अज़द, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू सर? अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर डूइंग गुड, थैंक यू. सो अज़द, बताएं पहले, अपना इंट्रोडक्शन दें कि कहां से हैं, कहां से आए हैं, कितना अरसा हो गया और सारी चीजें अपने बारे में बताएं. मेरा नाम अज़द अली है, ठीक है, और आई एम फ्रॉम पाकिस्तान और मुझे टर्की में ऑलमोस्ट 4 इयर्स हो चुके हैं. ठीक है. और मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो सऊदी अरब का है. मेरे फादर जो हैं वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं सऊदी अरब में और उनको ऑलमोस्ट 40 इयर्स हो चुके हैं सऊदी में रहते हुए. 40 साल हो चुके हैं, माशाल्लाह. और मेरी वालदा हैं, वो भी सऊदी अरब में ही हैं. आई बॉर्न एंड राइज इन सऊदी अरबिया. माशाल्लाह, गुड. तो आप सऊदी में पैदा हुए? सऊदी अरब में पैदा. तो पाकिस्तान जाना आना होता था? पाकिस्तान जाना आना जाना बेसिकली मतलब फैमिली के साथ ही होता था. जब फादर को लाइक वेकेशंस मिलती थी तो हम जाते थे 15-20 दिन के लिए, देन वापस सऊदी अरब. तो पाकिस्तान किस सिटी में स्पेसिफिकली जाते थे? कराची. वाओ, गुड गुड गुड. तो यहां पे सऊदीया से किस तरीके से यहां पे मूव हुआ गया इस्तांबुल में और क्यों सोचा, मतलब सऊदीया छोड़कर क्यों यहां पर आप आए? सऊदीया छोटे क्यों मैं यहाँ पे आया? बेसिकली सऊदीया में जो है उनका एजुकेशन लेवल इस तरह का है कि दे प्रेफर सऊदी नेशनल, ठीक है. प्लस अगर जैसे कोई फॉर एग्जांपल कोई फॉरेनर अगर वहाँ पे पढ़ता है तो लाइक बहुत हाई एक्सपेंसिव होता है. तो ये कि मेरे फादर ने काफ़ी मुझे कहा कि मतलब पाकिस्तान में पढ़ लो, देख लो, लेकिन मेरे फादर को कहता था कि नहीं, मैं तो मैंने टर्की का एजुकेशन लेवल जो है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है, और फीसेज जो है वो रीजनेबल है काफ़ी, ठीक है, एज़ कम्पेयर अगर किया जाए तो अदर कंट्रीज़ के, जैसे फॉर एग्जांपल अब यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया ले रहे हैं, ठीक है ना, या यूरोप की कोई भी कंट्री ले रहे हैं, ठीक है ना, वहाँ से मतलब काफ़ी जो है वो अफोर्डेबल है टर्की. ठीक है, तो यहाँ पर आप किस यूनिवर्सिटी में हैं और क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पे मैं इस्तांबुल आई थिंक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, ठीक है, और मेरा फोर्थ ईयर है फाइनल ईयर अल्हम्दुलिल्लाह. और मेरी जो फील्ड है वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. मेजर आपका सॉफ्टवेयर? मेजर जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है मेरा. तो फॉर सपोज यहाँ से आप अपनी डिग्री करके कहीं पे भी यूरोप जाना चाहते हो या फॉर सपोज यूके कहीं पे मूव करना चाहते हो तो क्या, क्योंकि ज्यादातर लोगों का यही कंसर्न होता है कि क्या टर्की की डिग्री की वैल्यू है और अगर वैल्यू है तो किन जगहों पर है, मतलब यहाँ से बच्चा पढ़ के कहाँ पे आगे जा सकता है और क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज वो अवेल कर सकता है बाकी यूरोपियन कंट्रीज में या टर्की में? लाइक जैसे टर्की में जितना भी एजुकेशन सिस्टम है इन लोगों का ये सब ईयू बेस्ड है, यूरोपियन यूरोपियन यूनियन बेस्ड है, ठीक है. और मतलब ये कि टर्की की जो डिग्री है वो मतलब वर्ल्ड वाइड मानी जाती है, रिनोन है, ठीक है, बिल्कुल वो वर्ल्ड वाइड मानी जाती है. और टर्की में अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अंडर ग्रेजुएट किया हुआ है सो लाइक आप मतलब यूरोप, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी आप इजिली अंडर ग्रेजुएट मास्टर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है. अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो लाइक यू कैन गो फॉर द पीएचडी, पीएचडी के लिए आगे जा सकते हो. और बाकी एक यहाँ की डिग्री की अच्छी वैल्यू है तो लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी जॉब सेक्टर की तरफ भी जाते हो तो आपको इजिली जॉब मिल जाती है. तो आपने यहाँ पे काम भी किए कुछ अर्सा? जी, पार्ट टाइम जॉब भी किया मैंने, लाइक एक रेस्टोरेंट में भी मैंने काम किया है. और मैंने जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा बैकग्राउंड जो है वो सऊदी अरब से था, सो आई कैन स्पीक अरबिक. तो मैं यहाँ पे एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अरबिक टीचर भी रहा हूँ. माशाल्लाह, गुड. जी बिल्कुल, ठीक है. तो देखें, अगर कोई बच्चा यहाँ पर आता है, ठीक है, बैचलर्स के लिए आया, मास्टर्स के लिए आया, एक स्टूडेंट आ रहा है, ठीक है, उसका मेन कंसर्न पहली चीज आपने बता दी कि फीस जो है वो नॉमिनल है, तो वो खुद अपना खर्चा उठा सकता है यहाँ पे रहते हुए अपनी फीसेस
और बाकी अपने छोटे मोटे एक्सपेंसेस अकोमोडेशन का हो गया, अपने फूड ग्रोसरी का हो गया, लेजर का हो गया, ट्रेवल का हो गया, क्या वो पूरा कर सकता है यहाँ पे रहते हुए फैमिली से पैसे ना मंगवाए बगैर? देखें इसका इसमें ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है अंडर ग्रेजुएट का, ठीक है, तो लाइक वो सैटरडेज एंड संडेज काम कर सकता है, फुल टाइम कर सकता है, ठीक है, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट की जो है वो मॉर्निंग में क्लासेस होती हैं, ठीक है, तो इवनिंग फ्री होता है तो वो चाहे तो इवनिंग में या तो सैटरडे संडे जो है वो जॉब कर सकता है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहा है सैटरडे संडेज या किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा है, तो लाइक ही कैन अर्न लाइक 1,200 Turkish lira बिटवीन 1,000 से 1,200 Turkish lira वो कमा सकता है इजिली, ठीक है, और 1,000 Turkish lira से लेके 1,200 Turkish lira के अंदर वो इजिली अपना अकोमोडेशन भी देख सकता है, वो इजिली अपना खाना पीना भी देख सकता है, मोस्टली जो मेरे दोस्त हैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं हम लोग यही करते हैं कि जैसे वेकेशन आती हैं तो हम लोग मतलब 3 महीने की वेकेशन होती हैं तो 3 महीने हम लोग फुल टाइम जॉब करते हैं तो लाइक मंथ के 3,000 और स्कूल बैचलर्स का है तो वो 3,000 Turkish lira महीने के कमा सकता है, मिनिमम कमा सकता है वेकेशंस, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या प्रेफर करते हो कि यहाँ पर लाइफस्टाइल किस तरीके का है, आप जिस तरह रह चुके हो पाकिस्तान और सऊदी में एज कम्पेयर टू दोस कंट्रीज, यहाँ का लाइफस्टाइल आप किस तरह बताओगे? यहाँ का लाइफस्टाइल कंपेयर करूँ सऊदी अरब से तो काफी डिफरेंट है, ठीक है, सऊदी अरब का माहौल आपको पता होगा है किस तरह से। अगर मैं कंपेयर करूँ यहाँ के माहौल को पाकिस्तान से तो मतलब इस्तांबुल के अंदर ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल कराची में रह रहे हैं, ठीक है, ऐसी फीलिंग आती है क्योंकि लाइक चीज़ें खुली हुई हैं, शॉप्स खुली हुई हैं, यू कैन गो एंड ट्रैवल ईजली, ठीक है ना, और हमारी माशाल्लाह से पाकिस्तानी कम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है और इतनी अच्छी है कि हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, हम लोग मतलब एक साथ हैंग आउट करते हैं बाहर, वीकेंड्स पे जाते हैं बाहर घूमने फिरने और वीकडेज में जब एक दूसरे घर जाके लाइक मिलते हैं खाना वाना पकाते हैं साथ खाना खाते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन यही चीज़ सही होती। इसके अलावा जो मेन कंसर्न एक तो ये हो गई चीज़ें, अब जो लोग यहाँ पे रिलोकेट होना चाहते हैं या जिनका आगे प्लान है तो उनके लिए क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट होनी चाहिए कि जी स्टडीज के हवाले से टर्किश डिग्री को क्या एज है कि वो एक बच्चा क्यों यहाँ पे रिलोकेट होकर है, क्यों पढ़ने रहे हैं यहाँ पे बाकी पूरी दुनिया छोड़ के टर्की क्यों पढ़ने रहे हैं वो? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ की फीसेज जो है वो काफ़ी रिजनेबल है, ठीक है, और तालीम का जो मैार है वो EU है, यूरोपियन यूनियन सिस्टम है, ठीक है, और थर्डली अगर आप बात करें तो मतलब यहाँ का जो माहौल है, ठीक है, वो काफ़ी अच्छा है, सही है, एज ए स्टूडेंट यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट को बेनिफिट्स हैं, जैसे आपको ट्रांसपोर्टेशन में आपको मतलब डिस्काउंट मिल जाता है, खाने पीने की चीज़ों में काफ़ी डिस्काउंट मिल जाता है स्टूडेंट्स के लिए। असर असर यहाँ पे एक तो अफोर्डेबिलिटी आ गई, उसके अलावा जितने भी बच्चे मूव होना चाहते हैं तो आप उनको क्या सजेशन दोगे कि वो यहाँ से आके वो कहाँ कहाँ जा सकते हैं आगे? जैसे स्टूडेंट यहाँ पे आता है टर्की में स्टडी करने के लिए तो टर्किश जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका जो लिंक है वो काफ़ी मतलब यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलेब्रेशन होती है, ठीक है, एक यहाँ पे प्रोग्राम है जिसको ये लोग इरास्मस के नाम से कहते हैं और इरास्मस मतलब इंटरनेशनल एक्सचेंज स्टूडेंट प्रोग्राम होता है, ठीक है, जो कि उसमें ये कि स्टूडेंट जो है वो अपनी जो करंट यूनिवर्सिटी है वहाँ से उनके थ्रू दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता है, ठीक है, एक सेमेस्टर के लिए अप्लाई करता है, इट कैन बोथ फॉर द मास्टर्स एंड अंडरग्रेजुएट, बोथ फॉर द मास्टर्स एंड अंडरग्रेजुएट दोनों के लिए वो सेम ही होता है, ठीक है, और इसकी जो कॉस्ट होती है वो बच्चा खुद कवर करता है, गवर्नमेंट देती है, यूनिवर्सिटी देती है, क्योंकि यहाँ की डिफरेंट कॉस्ट आ जाएगी। अब यहाँ से फॉर सपोज पे जर्मनी या इटली जाता है तो वो तो कॉस्ट बिल्कुल डिफरेंट आ जाती है, तो वो यूनिवर्सिटी देती है या गवर्नमेंट देती है, वो क्या हिसाब होता है? देखें इसमें ये होता है कि अगर आपको फुली फंडेड चाहिए तो लाइक यू हैव टू मेंटेन योर गुड GPA, GPA पहला कंसर्न वो GPA का होता है कि अगर आपकी GPA अच्छी है तो ये कि आपको फुली फंडेड जो है वो इरास्मस में मिल जाता है, तो ये क्या फिर उसमें होता है कि यूनिवर्सिटी आपको खुद स्टाइपेंड देती है यूरोप में। अच्छा, वो स्टाइपेंड आपको देते हैं कि वहाँ पे आप खुद जाओ वहाँ पे पढ़ के आओ और इन रिटर्न आपको फिर पैसे भी मिलते हैं, और जो फिर डिग्री मिलती है फॉर सपोज मैं यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट हूँ, मैंने यहाँ से
बैचलर्स किया, मैं तीन चार कंट्रीज में हुआ है जी, तो मुझे जो डिग्री मिलेगी वो फिर जॉइंट डिग्री होगी या एक यूनिवर्सिटी की डिग्री होगी? एक यूनिवर्सिटी की डिग्री होगी, जो आप वहाँ पे सेमेस्टर पढ़ के आए हैं इरास्मस वाला, उसका आपको सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट मिलेगा। और उसकी आपको फिर जो वर्थ है वो ऑब्वियसली ऑब्वियसली आपकी सीवी के ऊपर आएगी। चलें बिल्कुल ठीक है, तो फिर यहाँ से हमारे पाकिस्तान या बाकी रिजीम से, इंडिया से, बांग्लादेश से, सऊदीया से, ऑल अराउंड द वर्ल्ड जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स आना चाहते हैं या जो फैमिलीज रिलोकेट होना चाहती हैं, उनको आप क्या एक लास्ट मैसेज दोगे, उनको क्या चीजें दिमाग में रखनी चाहिए और क्या क्या चीजें उनको कंसिडर करनी चाहिए, क्या क्या प्रोटोकॉल्स कंसिडर करने चाहिए यहाँ पे मूव करने से पहले? मैसेज मेरा यही होगा, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ना चाह रहे हैं, कि अगर जैसे वो अंडर ग्रेजुएट में आते हैं तो मतलब उनकी जो प्रीवियस जो इंटरमीडिएट का जो लेवल होता है उसमें अच्छी परसेंटेज रखें, मोर देन 60 होनी चाहिए, ठीक है। और अगर जैसे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि मास्टर्स के लिए आ रहे हैं, तो उनके जो बैचलर का जो उनकी जो डिग्री है जो उन्होंने जहाँ से भी करी है उसमें एक मतलब 3 से अबव होनी चाहिए, 2.5 से मतलब 2.5 से अबव होनी चाहिए, ठीक है। और क्या चीजें उनको दिमाग में रखनी चाहिए जो आपको भी हर्डल्स आई होंगी एज अ स्टूडेंट यहां पे, ताकि कोई नया आ रहा है उसको वो परेशानियां ना फिर फेस करनी पड़े? देखें हर्डल्स तो यहां पे इतनी मैंने फेस करी नहीं है, क्योंकि मेरे यहां पे थोड़े बहुत से जानने वाले थे यहां पे जो उन्होंने मेरी हेल्प करी है। बाकी के जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर वन पर्सन आता है तो उसको ये कि हर्डल सबसे ज़्यादा यहाँ पे हाउसिंग का होता है, ठीक है ना, अकोमोडेशन का होता है, क्योंकि जब आप पहले आते हो तो आपको पता नहीं होता कि क्या करना है। बाकी एक यूनिवर्सिटी की मैं जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती है वो यूनिवर्सिटी वाले करवा देते हैं, ठीक है। अकोमोडेशन का तो एक अलग आ गया, उसके अलावा आपको क्या लगता है कि लैंग्वेज एक बैरियर है इनका? देखें जैसे अगर आप किसी भी अदर कंट्रीज जाते हैं, ठीक है ना, यूरोप की कंट्रीज ले रहे हैं, सऊदी अरब ले रहे हैं, हाँ, मतलब पूरी दुनिया में अपनी दुनिया में कहीं भी आप जाते हैं आपको दे हैव टू स्पीक देयर ओन लैंग्वेजेस, नेशनल लैंग्वेज, ठीक है ना। तो इसी तरह टर्की में भी है कि आप टर्की आए हैं, ठीक है ना, तो ये कि जिस तरह आप अपनी एजुकेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, उसके साथ साथ आप लैंग्वेज का कोर्स भी करते रहें, आपकी अपनी यूनिवर्सिटी में भी आपको मिल जाएगा, अदर प्राइवेट सेक्टर्स में भी मिल जाएगा, वो करने के बाद लाइक उसके बाद ये कि आपके लिए रास्ते खुल जाते हैं, रास्ते, ठीक है, आपके दोस्त बनते हैं, हाँ, मतलब आप लोकल लोगों से दोस्ती करते हैं। मगर व्हाट आई बिलीव टर्किश इसलिए हमारे लिए आसान है क्योंकि हिंदी में और उर्दू में मतलब टर्किश जबान के 8 से 10 हज़ार वर्ड्स मिल जाते हैं, तो वो बड़ी फेमिलैरिटी मिल जाती है आप बात से, ठीक है, और वो आपको पता है कि यार ये अल्फाज हमारे हिंदी का भी है उर्दू का भी है, तो आप एडजस्ट हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। लास्टली जाते जाते आपके यहाँ पे जो बच्चा एकदम से आया, क्या वो एकदम से जॉब कर सकता है यहाँ पे? जिस तरह मैं आया हूँ यहाँ पे एक हफ्ता पहले, आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैं अगले हफ्ते से जॉब पे लग जाऊँ, तो ऐसा पॉसिबल है यहाँ पे? इस तरह से पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, अगर आप यहाँ पे आए हैं, ठीक है ना, आप यूनिवर्सिटी में इनरोल होते हैं, ठीक है, आपकी लीगल जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, आपका रेजिडेंट परमिट नहीं आता, इसमें आपको जो टाइम पीरियड लगता है वो होता है 3 से 4 महीने, 3 से 4 महीने, जी 3 से 4 महीने का आपका टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड जब आप वो कवर अप कर लेते हैं, आपके पास एक लाइक लीगल रेजिडेंट परमिट आ जाता है, तो देन यू कैन, क्योंकि ज्यादातर हमारे लोगों को यही कंसर्न होता है कि जी सर हम आ रहे हैं, हमारा वीजा शायद 4 साल की डिग्री, 4 साल के वीजा पर आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है जी। आप आते हैं मैक्सिमम आपको शायद 90 डेज का वीजा मिलता है, 30 डेज का, 90 डेज का, चलो बहुत ज्यादा भी हुआ, तो उसके बाद सबको परमिट अप्लाई करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, उसके बाद जाके यू आर एलिजिबल टू लिव हियर एंड वर्क हियर लीगली जी। तो आई होप कि हमने आपके बहुत सारे सवाल क्लियर किए होंगे और इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में इस तरह की और सीरीज हम बनाएंगे, ताकि आप लोगों की जितनी भी क्वेरीज हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो हम रिजॉल्व कर पाए। एंड आई लाइक टू थैंक यू मिस्टर अजद आपके टाइम का, और जैसे जैसे आपकी जरूरत पड़ती है हम आपको फिर बुलाते रहेंगे। बिल्कुल सर, सी ऑल गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।